बालोद जिला में जल संसाधन विभाग की उदासीनता किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। 6 माह पूर्व बांध को टूटने से खेतों में भरा मलबा विभाग द्वारा आज तक नहीं निकाला गया है। ऐसे में मानसून की दस्तक ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल जिले के आदिवासी विकास खंड डोंडी के अंतिम छोर ग्राम पंचायत आमाडूला में कई दशकों से अधूरा पड़ा बहरा बांध की दीवार पिछले बारिश में ढह गई थी, जिसके चलते पानी के साथ बांध का मलबा, मिट्टी, पत्थर और कंकड़ खेतों में भर गए और किसानों की फसल बर्बाद हो गई। हालांकि 2 दर्जन किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा तो दे दिया गया, लेकिन खेतों में भरा बांध का मलबा आज तक नहीं निकाला गया। ऐसे में कुछ दिनों में मानसून आने को है, जिसे लेकर किसान काफी चिंतित हैं। वहीं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि समस्या का बारिश के पूर्व निराकरण कर दिया जाएगा। टूटने से हमारे खेत में मलबा पटा हुआ है। बीच बीच में मैं मतलब सूचना देता था, लेकिन आज तक से मतलब खेत का मलबा हटा नहीं है। अब पता नहीं बारिश आ गया कब हटाएंगे। तो ऐसी हालत में मतलब इस साल भी मतलब खेती नहीं हो पाएगा। कितने किसानों के खेत गए होंगे और विभाग को अपने अवगत कराए गए? तो इसमें मतलब पांच किसान है, पांचों किसानों का मतलब क्षति हो गया है। और बीच बीच में मतलब मंत्री जी को भी मतलब इसके बारे में सूचना दिया था, तभी तरह से मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। ज्यों त्यों पड़ा हुआ है मलबा। मानसून आने के पहले वहाँ का जो पत्थर और मलबा पड़ा हुआ है वो निकाल कर आज ही मैंने निर्देशित किया हमारे सब इंजीनियर SDO को कि उसको तुरंत निकालें और किसान की ज़मीन को खेती के लायक बनाएं और डैम को इस तरीके से रखें कि उसका जो पानी है वो किसी भी प्रकार से खेतों में मत जाए और डैम सुरक्षित भी रहे। क्योंकि स्लूस गेट को उन्होंने तो पिछली बार जब टूटा डैम तो स्लूस गेट को बंद कर दिया था, तो स्लूस गेट तो टूट गया है। और इसकी स्वीकृति के लिए मैंने 60 लाख रुपये का प्राकलन भेजा था, वो भी स्वीकृत नहीं हुआ। तो अपने स्तर पे जितना मेरे से हो सका मैंने उस डैम के पानी को बाहर आने के लिए रास्ता बनाया। और उसके बाद अभी चूँकि वहाँ का पत्थर और मलबा हटाने का लगभग स्थिति में हम आ गए हैं और 2-3 दिन के अंदर ये मलबा और पत्थर हटा दिया जाएगा और किसान की खेती नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।